नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूं जीत जायसवाल। आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से डिजिटल सेवा पोर्टल में एक नई सर्विस ऐड हुई है, जिसमें आप लोग बहुत ही अच्छा खासा इनकम कर पाएंगे। कमीशन भी बहुत ही अच्छा है इस सर्विस को लेकर। दोस्तों, ये सर्विस क्या है, इसी के संबंधित मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी नए यूजर से करूँगा गुजारिश, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके डिजीमेल पे एक मेल आया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंधित यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वीएलई विल बी गेट 24 रुपया इंस्टेंट कमीशन पर इनरोलमेंट। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है, डियर आल वीएलई इनरोलमेंट ऑफ नॉन लोनिंग फार्मर फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 19 हैज़ बिन स्टार्टेड ऑन डिजिटल सेवा पोर्टल। दोस्तों, पिछले सीजन में भी इसे स्टार्ट किया गया था, लेकिन कुछ वीएलई ऐसे थे जिन्होंने इसमें बहुत ही गलत तरीके से काम किया था, इसलिए डिजिटल सेवा पोर्टल में इस बार जब इस सर्विस को लाइव किया जा रहा है तो इसके संबंधित कुछ नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। अगर आप इस नोटिफिकेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो सकता है, तो आप लोग सावधानी बरतें और मेरे द्वारा बताए गए सभी स्टेपों को फॉलो करें। आप भी इसमें अच्छा इनकम कर पाएंगे और किसी भी तरह का आपको नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कट ऑफ डेट यहाँ पे 29 जुलाई 2019 तक ही है। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिशा निर्देशों को फॉलो करना पड़ेगा, जहाँ बताया गया है अपलोड करेक्ट डॉक्यूमेंट्स ओनली। दोस्तों, कई ऐसे वीएलई हैं जो कि किसी भी किसान का फसल बीमा के तहत किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स लगा के अगर आप फॉर्म भरते हैं तो भी ये तरीका गलत है, आप लोगों को ऐसे नहीं करना है। आपके आधार किसान के आधार कार्ड पे और बैंक अकाउंट में और उसके जो इंतखाब होते हैं खेती बाड़ी के दस्तावेज होते हैं उस पे सेम नाम होना चाहिए। इसके अलावा फार्मर नेम सॉल भी मैच लैंड रिकॉर्ड, वही जानकारी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके अलावा स्कैनिंग डॉक्यूमेंट सॉल भी क्लियर। दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके अपलोड कर रहे हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा जूम करने पे भी वे स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ऐसा आप लोग स्कैनिंग करेंगे ताकि जो भी अधिकारी हों वे उस डॉक्यूमेंट्स को अगर करीब से देखना चाहें तो भी उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसके अलावा स्कैन डॉक्यूमेंट सोल्ड भी रीडेल्व डू नॉट ओनली ट्रांजेक्शनल ऑफ एवरी फार्मर फॉर देयर मल्टीपल क्रॉप यूज एड क्रॉप ऑप्शन। दोस्तों, यहाँ पे एक किसान का आप लोग एक ही बीमा कर सकते हैं, मल्टीपल बीमा नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ बताया गया है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऊपर एफआईआर भी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं उस फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरिए, क्योंकि अगर आपने इस फॉर्म को एक बार सबमिट कर दिया तो बाद में आपको इसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करने का मौका नहीं मिलेगा और बाद में आप बहुत ही पछताएंगे। तो इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी डिटेल आप भर रहे हैं उन सभी डिटेल को भरने से पहले सफलतापूर्वक जांच कर लें, अपने किसान से भी जांच करा लें और उसके बाद ही इसमें सबमिट करें, ताकि बाद में आप लोग इसमें किसी भी तरह का सुधार नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस सर्विस से आप लोग अच्छा इनकम कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोग कमीशन दे सकते हैं, 24 रुपया इंस्टेंट कमीशन आपके वैलेट में आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जुड़ के काम कर सकते हैं, अपने किसानों को लाभ पहुंचा सकते हैं, उनके फसलों को लाभ पहुंचा सकते हैं और अपना और आप अच्छा खासा इनकम भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, पिछले सीजन में जो भी वीएलई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन किए थे सफलतापूर्वक, वे लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि उनको कितना कमीशन मिला और कैसे इन्होंने इसमें पूरा काम किया, ताकि जो नए वीएलई हैं जो इसमें काम करने के लिए सोच रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा में काम करने को लेकर। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।